ये है दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग्स, ये है शंघाई टावर जो कि है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे नॉर्मली भाई कोई एंड्रॉइड फोन काम नहीं करता, बट वही आपके पास अगर ओप्पो का है, हुआवे का, तो इतना तेज चलेगा भाई कि क्या बताऊँ। बारकोड आप लोग दिखाकर पेमेंट कर सकते हो, बस बारकोड दिखाओ और पेमेंट हो जाएगा। हाउ मच इट वुड बी इफ समबडी वांट्स टू स्टे इन दिस एरिया, रेंट हाउ मच इट वुड बी अप्रोक्सीमेट। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम शंघाई चाइना। आई कांट बिलीव कि मैं फाइनली चाइना पहुंच चुका हूं, वो भी शंघाई। आज मेरा कुछ अराउंड तीसरा दिन है, कल मैं यहां पे आया था और आने के बाद कल का जो दिन था, परसों आया था, कल का दिन मैंने यहां पे रेस्ट लिया है। और रेस्ट लेके जितना भी चाइना में चीज़ें हैं करने को, ट्रैवल करने से पहले जो आप लोग को यहाँ पे चीज़ें रेडी करनी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने रेडी करी है। सबसे नंबर वन चीज़ जब आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हो गाइस, आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एक बढ़िया सा VPN। बिना VPN के आप यार ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हम यार मैक्सिमम जितने भी एप्लीकेशन वगैरह है सारा गूगल का यूज़ करते हैं, यहाँ पर गूगल का लिटरली कुछ भी काम नहीं करता। एंड VPN के साथ भी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई यहाँ पर चीज़ें काम करेंगी, बट यही है कि आपका जो काम है वो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है VPN के साथ। कभी चलता है कभी नहीं चलता, बट वो अगेन चाइना है तो आप लोगों को उस चीज़ डील करना पड़ेगा। नंबर दो चीज़ यहाँ पे भाई, आपका कोई भी इंटरनेशनल कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड यहाँ पे काम नहीं करने वाला। हाँ जी, आपने सही सुना, यहाँ पे कहीं पर भी टैप एंड पे वगैरह आप अपने इंटरनेशनल कार्ड से नहीं कर सकते। अगर आप लोग अपना कार्ड यूज़ करना है तो आप लोग को यहाँ पे भाई अली पे नहीं तो जो वी चैट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अली पे मैंने डाउनलोड करा, वहाँ पे मैंने सेटअप करा, अपना कार्ड इंक्लूड करा। एंड एक बार अली पे डाउनलोड कर लो तो आप जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे वेंडर्स हैं, वो हमारे गूगल पे के ऐसा है, हमारे UPI के जैसा है, ये अली पे यहाँ पे जो है एंड लिटरली हर जगह यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। एंड हर जगह का मतलब हर जगह, बस में भी, टैक्सीज में भी, रेस्टोरेंट में भी, और जितने भी चीज़ें यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको कैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी चैट भी अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यहाँ पे व्हाट्सअप तो काम नहीं करता। जितने भी चीज़ें करना है आपको चाइना में, सब कुछ आप लोग वी चैट से कर सकते हो, पेमेंट से लेके एसेसरीज से लेके हॉस्पिटल से लेके सब कुछ भाई उसमें आ जाता है। तो ये गाइस यहाँ पे पीपल स्क्वायर, जहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके पहले लास्ट वीडियो में जब मैं आया था यहाँ पे शंघाई पहली बार, तब मैं आपको लेके आया था यहाँ पे, यहीं से मेरा हॉस्टल का रास्ता है इस तरफ से, और ये सारा जितना भी है पीपल स्क्वायर है। और सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप्ड ये मुझे शंघाई लगाना है। शंघाई तो चलो सुना था सभी लोगों ने, बट लिटरली फर्स्ट टाइम है ये भाई सब क्या कर रहे हैं। हेलो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे खड़े हो गए यार वो। एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ, यहाँ पे शंघाई में कोई भी आपको पेट्रोल की गाड़ी नहीं मिलेगी भाई। हर गाड़ी जो भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जितने भी बसेस चल रही हैं, कार चल रही हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिक है भाई यहाँ पे, जो कि इतना ज़्यादा क्रेज़ी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतना इलेक्ट्रिक कार्स चलो हमने इंडिया में देखा है, बट इतना मतलब इतना ज़्यादा परसेंटेज में इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ होते हुए मैं यहाँ पहली बार ही देख रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी बाइक्स देख रहे हो आप लोग, स्काई साइकिल्स वगैरह, ये सारे तो आपको मिल जाएंगे। एंड जितने भी ये सब, फॉर एग्जांपल ये स्कूटर देख लो आप लोग, ये स्कूटी है एंड ये भी सारी इलेक्ट्रिक है। और अगर आप लोग यहाँ पे ये सारे जितने भी बाइक्स हैं वो भी रेंट करनी है, तो अगेन आप लोग अली पे नहीं तो वी चैट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्कैनर होता है, एक ये देख सकते हो स्कैनर है यहाँ पे, इसको स्कैनर को आप लोग स्कैन करोगे अली पे से तो वो डिटेक्ट कर जाएगा और आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अली पे जो है वो वन ऑल इन वन ऐप है, अली पे डाउनलोड कर लो तो आप जितने भी चीज़ें सारे एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं आप लोगों को शंघाई के बारे में बता दूँ, शंघाई जो है गाइस चाइना का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। पहले नंबर पे चोंकिंग है, चोंकिंग जो सेंट्रल चाइना की तरफ आता है। शंघाई जो है वो ईस्ट चाइना की तरफ आता है, बहुत ही नज़दीक ताइवान के, और जितना भी यहाँ पे कोस्ट है चाइना का वो कोस्ट में आता है, कोस्ट की तरफ आता है शंघाई। एंड जो पॉपुलेशन है शंघाई की कुछ अराउंड 27 मिलियन है, जो कि अगर मैं करोड़ में बताऊँ तो अराउंड 2.7 करोड़। एंड अगर मैं इंडियन सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करूँ तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 32 से 33 मिलियन पॉपुलेशन है, एंड शंघाई की जो है वो 27 मिलियन है, तो कुछ 5 मिलियन आई थिंक कम ज़्यादा। एंड ऐसी कुछ सिमिलर सा पॉपुलेशन आप लोग चाइना में भी देखोगे, क्योंकि भाई सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अभी तो फिलहाल रिसेंटली इंडिया जो है फर्स्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में आप लोग ऐसे ही 25 मिलियन 30 मिलियन 35 मिलियन ऐसे ऐसे आप लोग पॉपुलेशन देखोगे यहाँ पे। और ये क्या है भाई, सेक्स टॉयस, क्या बात है, चलते हैं यार अंदर देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओए होए 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 होए, मुझे लगता है इससे यहाँ पे तो कैमरा बंद करना पड़ेगा मेरे को, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सामान थे गाइस यहाँ पे, तो कैमरा बंद करना पड़ा मेरे को।
बढ़िया लगा एकदम मेन स्ट्रीट के पास आप लोग को यहाँ पे जो सेक्स टॉयज़ का दुकान है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि काफ़ी बढ़िया है यार। ये देखो भाई चाइना में ऐसे गाइड करते हैं गाड़ी वाले को। तो भाई इसकी अभी जो पार्किंग है वो ख़त्म हुई, सही बता रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा था ना भाई देखने में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जेसीबी खुदाई जैसा टाइप भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट खड़े वो सारे देख रहे हैं। वैसे कुछ भाई मेरा भी यहाँ पे माहौल था। तो यहाँ पे भाई एक साइकिल है, जो साइकिल को भाई रेंट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, एंड देखते हैं भाई अली पे खोलते हैं, एंड अली पे अगर यूज़ करेंगे तो अगेन आप लोग को जो वी पी एन है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वी पी एन के साथ अली पे काम नहीं करेगा भाई। तो यहाँ पे ये आप लोग काफ़ी दिक्कत है। तो अली पे है यहाँ पे, अली पे खोलोगे आप वी पी एन बंद करने के बाद, तो यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल होता है भाई अली पे का। ये स्कैन का ऑप्शन होगा यहाँ पे, स्कैन करोगे उसको देखते हैं क्या बताता है। स्कैन कर दिया और आई थिंक ये मेरा साइकिल जो है वो अनलॉक हो गया होगा आई थिंक। तो भाई मैंने अभी ये देखो भाई मेरा जो साइकिल है वो अनलॉक हो गया। तो भाई ऐसे भाई इसको अभी यूज़ करना होता है। हम लोगों ने फाइनली हमारा साइकिल जो है अनलॉक कर लिया है। दो ऐप जो है वो काफ़ी ऐप जो है पूरी चाइनीज में थी, बट हम लोगों ने भाई ट्रांसलेटर के हेल्प से भाई किसी तरीके से भाई मैंने जो ऐप है उसको मतलब चलाया है और उसको भाई अनलॉक करा है। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्क्वायर की तरफ आ गए भाई हम लोग, एंड यहाँ पे आप लोग सारा माहौल देख सकते हो, हर जगह अलग अलग किस्म के बाइक्स और साइकिल्स आप लोग को चलते हुए मिल जाएंगे। एंड सारे आपके हमसे काम कर रहे हैं, बट आप लोग एक चीज़ गौर करोगे क्या हो गया भाई, देखो भाई ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, आप लोगों को ट्रैफिक फॉलो करना पड़ता है भाई। वो भाई सिटी मार रहा है आई थिंक, यहाँ से साइकिल से नहीं जा सकते। तो उसने भाई वहाँ पे बताया कि ये वो रास्ता जो है वो बस वॉकिंग के लिए है, ये रास्ता लेना पड़ेगा अगर मेरे को भाई स्कूटी से, अगर मेरे को बाइक से तो साइकिल से जाना है। एंड यहाँ पर जो है भाई यहाँ पर राइट की तरफ जो है वो ट्रैफिक होती है, तो भाई आप लोगों को थोड़ा वो भी देखना पड़ता है, हमारे इंडिया में लेफ्ट की तरफ होता है। जैसे आपका राइड ख़त्म होता है गाइस, यहाँ पे आप लोग बस इसको लॉक कर देना है यहाँ पे, जैसे आप लोग लॉक कर दोगे ये आपका जो राइड है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड लिटरली मैंने कुछ अराउंड आई थिंक 25 मिनट्स चलाया, और 25 मिनट्स में मेरे को 2.5 युआन चार्ज करा बस। यार काफ़ी सस्ता है यार 2.5, मतलब कितना होता है आई थिंक बोल सकते हो 25 रुपये, क्या बात है यार। तो अभी भाई फ़िलहाल आ चुके हैं हम लोग जो यहाँ पे बहुत ही फेमस जो यहाँ पे शंघाई का स्काईलाइन है, स्काईलाइन दिखाने के लिए, और इसको बहुत ही फनी नेम दिया गया है, इसको बुंड बोलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, बट इसको द शंघाई बुंड करके बोलते हैं, जिसका मतलब जो शंघाई का जो स्काईलाइन है वो। भाई ये सारे रूल्स देख लो, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे नाचना अलाउड नहीं है, यहाँ से कूदना अलाउड नहीं है, यहाँ पे फिशिंग करना अलाउड नहीं है, यहाँ पे कुछ बेचना अलाउड नहीं है, कैंपिंग करना अलाउड नहीं है, स्केट करना अलाउड नहीं है। तो इन शॉर्ट भाई यहाँ पे बोल रहे हैं टिकटॉकर्स और जो डीलर्स होते हैं उनका यहाँ पे आना मना है। तो ये गाइस यहाँ पे व्यू पॉइंट द बुंड शंघाई का, एंड जो कि ऑल्सो ये काफ़ी ख़राब चीज़ कर दिया यार यहाँ पे जिन्होंने भी करा है। आगे जो देख रहे हो आप लोग ये है शंघाई का स्काईलाइन, ये जो है ये ओरिएंटल टीवी टावर है, एंड ये जो देख रहे हो आप लोग ये है शंघाई टावर, जो कि दुनिया का सेकेंड मोस्ट टॉलेस्ट टावर है बुर्ज खलीफा के बाद, एंड आई थिंक कुछ 200 मीटर का फ़र्क है बुर्ज खलीफा और इसमें अगर बताऊं तो। एंड ये जो रिवर देख रहे हो आप लोग, ये जो आगे रिवर देख रहे हो, ये रिवर जो है ये यांगसी रिवर है, जो कि कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी से, इस तरफ जाओगे तो ईस्ट चाइना सी का रूट आएगा, एंड और अगर आगे जाओगे इस तरफ तो फिर आपको जो ताइवान है ताइवान की तरफ ये निकलता है ये वाला रूट। ये जो आप लोग पीछे माहौल देख रहे हो ऑफकोर्स देखने में काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्या आप बिलीव कर सकते हो शंघाई जो एक टाइम पे एक फ़िशिंग विलेज हुआ करता था, एंड वो फ़िशिंग विलेज से एक टाइम पर कब एक फ़िशिंग विलेज था, एंड आज शंघाई को देख लो आप लोग, इतना मॉडर्न, इतना डेवलप्ड, इतना प्लान्ड सिटी, एंड प्रोबेबली दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में से आती है अभी फ़िलहाल शंघाई। पूरा चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल एंड डेवलपमेंट हब है शंघाई। इतना भी आप लोग फ़िलहाल शंघाई में डेवलपमेंट देख रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो, ये आई थिंक लास्ट के 20 से 30 साल में ही हुई है। कुछ अराउंड 1990s के टाइम पर शंघाई को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था, एंड वो टाइम के बाद बहुत सारे इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से आने लगे, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे सेटअप होने लगी, एंड वो प्रोसेस के बाद कुछ अराउंड 20 से 30 साल में आज शंघाई भाई ऐसा देखने को मिलता है।
तो गाइस हमारे साथ अभी शंघाई में एक इंडियन भाई मिल गए. सो यू आर शिवा रेड्डी फ्रॉम तिरुपति आंध्र प्रदेश. तो ये भाई तिरुपति से हैं आंध्र प्रदेश. यू आर सेइंग रेड्डी ब्रो दैट दिस इज ऑल ब्रिटिश आर्किटेक्चर. जस्ट मेंटेनेंस सेम. तो यहाँ पे जब मैं आया था मुझे काफी हद तक लग रहा था कि ये भाई थोड़ा बहुत ब्रिटिश इन्फ्लुएंस लग रहा है मेरे को. बट रिचेस्ट स्ट्रीट इन शंघाई. ओके रिचेस्ट स्ट्रीट ईच नानजिंग स्टेशन. ईच नानजिंग स्टेशन बिफोर 70-80 इयर्स हियर यू हैव मेनी फिशर्स लिविंग हियर. हां ओके दिस रिवर. ओके ओके ओके. सो आफ्टर दे डेवलप द फिशर्स ऑल गॉन. ओके ओके. सो नाउ इज वेरी फेमस. देयर इज नो फिशर. दिस बंड मींस दिस ओल्ड नेम लाइक 70 इयर्स बिफोर दे कॉल्ड. बिकॉज़ दिस शंघाई वाज अ फिशिंग विलेज बिफोर राइट. या या इट वाज अ फिशिंग विलेज. हियर ऑल इज फिशिंग विलेज. नाउ इज मोर मॉडर्न. मॉडर्न. सो योर फिशर्स इज गॉन. या तो इसको बंड बोलते हैं. और यहाँ पे बंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिशर्स यहाँ पे फिशिंग करते थे. जैसे मैंने आपको उसके पहले कहा कि ये बहुत ही पुराना ओल्ड फिशिंग टाउन था एंड वही फिशिंग टाउन से ये जगह का नाम बंड पड़ा है भाई. सो यू आर स्टेइंग इन शंघाई फॉर हाउ मेनी इयर्स? आई मीन चाइना 7 इयर्स. ओह वाओ. लास्ट 2 इयर्स इन शंघाई. ओके ओके. व्हिच पार्ट ऑफ चाइना यू वर बिफोर? बिफोर इज नियर लाइक हांजो सिटी. ओके ओके. फ्रॉम हियर दैट इज 250 किलोमीटर. ओके ओके. एंड हाउ डू यू लाइक शंघाई? डू यू लाइक इट? शंघाई इज मोर रिचेस्ट सिटी. रिचेस्ट सिटी इज वेरी गुड एंड एवरीबॉडी लाइक टू स्टे हियर. या बट इट्स अ एक्सपेंसिव सिटी. या या जॉब और गुड बिजनेस. या वेरी नाइस. या बट आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव सिटी इन चाइना. देख के समझ भी आ रहा है यार. जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तब देख के समझ आ रहा था कि यार कितना मतलब अमीरियत जो मैं आप लोगों को इसके पहले भी कहा था अमीरियत जो है वो भरपूर देखने को मिल जाती है भाई यहाँ पे. और ये टेस्ला कार यार तो देख लो भाई. देयर आर मेनी टेस्लास हियर. टेस्ला इज अ मॉडल बाइक. या दैट इज 30 लाख इन चाइना. आई थिंक देयर आर मेनी टेस्लास इन चाइना. है स्पेशली शंघाई हैव मेनी कार्स. मेनी कार्स मे बी 20 कार्स यू सी वन कार यू कैन फाइंड टेस्ला. ओ टेस्ला मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना. ओके second largest manufacturer Tesla company. Wow. First wow. is US I think. US, second yeah. is Shanghai. Yeah. You know language you will enjoy a lot in China. तो हमारे भाई बोल रहे हैं यहाँ पे language बहुत बड़ी problem है. For you staying for 7 years still language is a problem. Yes, still language is a problem. Because of our colleagues are speaking English. We ah, teach okay, them to English, but they not teach us. We not learning China. Okay, your Chinese employees also they speak in English. What they are saying? WeChat payment. WeChat payment, We have Alipay, yes. Alipay, I have, yes. You can Alipay barcode you can open like this. Okay, okay, okay. तो यहाँ पे अली पे में भाई जब भी अली पे यूज़ करोगे ऐसे भाई बार कोड होता है. बार कोड आप लोग दिखाकर पेमेंट कर सकते हो. बस बार कोड दिखाओ और पेमेंट हो जाएगा. यार भाई गजब सिस्टम है यार यहाँ पे. तो भाई जब कोई शहर में 27 मिलियन पॉपुलेशन हो ऐसी भीड़ तो भाई आप देखोगे यार. पर तभी भी यार मैं काफ़ी आश्चर्यजनक हो गया इतना पॉपुलेटेड सिटी होने के बावजूद. यार सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पूरे चाइना में. पर भाई बोल रहे हैं भागने के लिए एकदम सीट नहीं मिलेगी. एकदम इंडिया वाली हाल है यार यहाँ पे. तो ये भाई यहाँ पे फेरी जाती है. यहाँ पे दो साइड रिवर है. रिवर को क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग. और यहाँ पे भाई भसड़ देखो आप लोग. देखो कितना सही लग रहा है यार ये. तो भाई यहाँ पे भाग भाग के आना पड़ा भाई हम लोग को. और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो हर जगह. और हमारे भाई बोल रहे हैं यहाँ पे लेट करोगे तो जगह नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि फिर यहाँ पे सारे लोग भाग के आते हैं व्यू के लिए. एंड यहाँ पे आगे का व्यू देख सकते हो आप लोग. एकदम पूरी इंडिया वाली प्रॉब्लम्स है यहाँ पर. तो यहाँ पे जो देख रहे हो भाई ये है पूरा शंघाई का स्काई लाइन. और ये जो आप लोग जो हम लोग नदी में चल रहे हैं अभी हमारी जो शिप है ये वाली, यहाँ पे भाई एक टाइम पे फिशिंग हुआ करती थी. और ये सारा भाई एक फिशिंग विलेज था. डिस्टेंस हाँ ओके. दे नॉट कम बिकम वेरी क्लोज. या तो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं यहाँ पे चाइना में ट्रैफिक रूल्स काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो हियर दे फॉलो ट्रैफिक रूल्स अलॉट. यस मस्ट यू सी देयर इज द डिस्टेंस दे कीपिंग दिस मच 1 मीटर 1.5 मीटर बिटवीन कार टू कार. या तो यहाँ पे भाई what take the rules they have 5 points in driving license. Okay so they already make camera shooting. Okay so they track by camera if have they what track the rules
they give first warning, second warning, third warning, fourth warning. If fifth warning closed, they make 15 days jail and they put okay. some amount to pay. Okay. तो यहाँ पे सारे रूल्स बोल रहे हैं ट्रैफिक के, यहाँ पे लिटरली बहुत ही बढ़िया फॉलो कर रहे हैं यार रूल्स यहाँ पे लिटरली। अगर आप जिबर क्रॉसिंग कर भी रहे हो तो जब तक पेडेस्ट्रियन क्रॉस नहीं हो जब तक गाड़ी, भले टाइम भी ख़त्म हो जाए पेडेस्ट्रियन अगर चल रहे हैं तो भाई गाड़ी रुकी रहेगी। भाई यहाँ पे देख लो, ये है दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग्स, ये है शंघाई टावर जो कि है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग। एंड इसके पहले ये सारी जो बिल्डिंग्स थी ये इसके पीछे थी लाइन में। जो फ्रेंड है वो भी यही बोल रहे हैं कि जितना भी सब कुछ हुआ है लास्ट के 20 साल में हुआ है, एंड 20 साल के पहले कुछ भी नहीं था गाइस, ये जितने भी आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो कुछ नहीं था यहाँ पे। कभी कभार तो सोचता हूँ कि बस 20 साल में इतना कैसे कोई सिटी ग्रो कर सकता है यार। रेडी आना टेल मी हाउ मच इट वुड बी इफ समबडी वांट्स टू स्टे इन दिस एरिया, रेंट हाउ मच इट वुड बी अप्रोक्सीमेट। ओके 11,000 RMB. The where you are staying? Yes, where I am staying. But that is 1 hour away from the center. Yes, from this, that is 10,000 away from this area. Okay. It's too expensive. Around if you take a triple bedroom, mm-hmm. it's take around 2 lakh minimum. 2 lakh minimum for one three bedroom yes, apartment. Yeah. And you need to pay minimum 3 months advance. Advance. Okay. Every 3 months you need to renew your rent. तो यहाँ पे भाई बता रहे हैं भाई यहाँ का रेंट के प्राइसेस देख लो, कुछ 2 लाख रुपए बोल रहे हैं 3 बेडरूम हॉल का, 3 बेडरूम अपार्टमेंट का यहाँ पे। और ओके इफ द व्यू इज गुड देन द प्राइस इज एक्सपेंसिव। भाई यहाँ पे पब्लिक देख लो यार, और यहाँ पे कोई क्रॉसिंग चल रही है। यहाँ पे हम लोग ईस्ट नानजिंग स्ट्रीट की तरफ आए हैं, ये बहुत ही मशहूर स्ट्रीट है यहाँ पे शंघाई में। और मुझे ये भाई जो टोक्यो में जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग की याद दिला रही है। और सभी यार सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सभी लाइन में क्रॉस कर रहे हैं यार, कोई मतलब अगर क्रॉस भी कर रहे हैं तो उसकी भी भाई पूरी मस्त वो लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज वे में सारे ज़ीब्रा क्रॉस कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी वहाँ घुस रहे हो। तो यहाँ पे चाइना में भाई यहाँ पे लॉटरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो चाइना स्पोर्ट लॉटरी लिखा है, एंड ये सारे लोग भाई यहाँ पे लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं। एंड ये आप लोगों को हर जगह यहाँ पे शंघाई में देखने को मिल जाएगा। और ये ईस्ट नानजिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे आप लोगों को जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है, जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हो सकती है जो आप लोग को नॉर्मली मिलती है ये ऐसे वॉकिंग स्ट्रीट्स में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ओप्पो भी है, क्या बात है भाई साहब। ये देख लो भाई ओप्पो, यहाँ पे ओप्पो, यहाँ पे हुआवे का भी यहाँ पे काफ़ी क्रेज़ है। यहाँ पे नॉर्मली भाई कोई एंड्रॉयड फ़ोन काम नहीं करता, अगर आपका सैमसंग फ़ोन है तो भाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इतना स्लो चलेगा। बट वही आपके पास अगर ओप्पो का है, रेडमी का है, शॉमी का, हुआवे का, तो इतना तेज़ चलेगा भाई कि क्या बताऊँ मैं। तो ये चक्कर है भाई यहाँ। भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई ऐसे यहाँ पे ऑटो मिलती है नॉर्मली। हेलो हेलो, ऐसे ऑटोस होती है भाई यहाँ पे चाइना में, भाई शंघाई में। और ये दिस इज इलेक्ट्रिक राइट, इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक है भाई ऑटो जो देख रहे हो आप लोग।